उपवास और अनशन ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैं एक बात बताऊं, इनका ये मौन अनशन है। अब ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि इनको तो पहली बात ये है कि अनशन पर बैठना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, चौसा के किसानों के हक में मैं खुद हूँ, चौसा के किसानों के हक में मैं खुद हूँ, लेकिन मेरी नज़र में यह नहीं आता है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो पुलिस भाइयों के साथ हुआ हो या फिर हमारे किसानों के साथ हुआ हो। जो किसानों के साथ हुआ है, जो पहले का मुआवजा का रेट था और आज के मुआवजे के रेट में जमीन आसमान का अंतर है। मैं यह चाहूँगा कि बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, किसानों की समस्या का निदान वो सबसे पहले करे। धरना तो होता रहेगा, धरना होता रहेगा, मौन मौन नहीं, मौन धारण होता रहेगा, लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ, किसान का अन्याय न कभी हम सहे हैं और न ही कभी सहेंगे। अच्छा, ये एक बात और है कि जो संविधान भागवत को लेकर के जो शिक्षा मंत्री का एकदम 16वां नंबर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उनका गलत स्टेटमेंट है, वो गलत है, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये आपका परिचय? ये मैं पूर्व प्रत्याशी बक्सर सदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं सबसे अलग यह सब बात करता हूँ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है आज के वर्तमान परिवेश में, मैं सुकूल के कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत गलत, सिर्फ और गलत।